जैसा कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड कर रहे हैं या लॉन्ग वीडियो, आप अपने जैसे में दोनों वीडियो अगर अपलोड कर रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी और लॉन्ग वीडियो भी, तो जब भी आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को एडिटिंग करने जाते होंगे तो आपके सामने एक फीचर्स देखने को मिलता होगा जिसका नाम है स्क्रीन पर आपको देखने को मिला रिलेटेड वीडियो। एक्चुअल में इस फीचर्स का मतलब क्या है, इस फीचर्स के माध्यम से हम अपने चैनल की वीडियो को क्या क्या कर सकते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। बट ये जो फीचर्स है क्यों दिया है और कैसे इस फीचर से आप अपने वीडियो को यानी वीडियो पे व्यूज लाइएगा सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एक्चुअल में ये फीचर्स दिया क्यों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो फीचर्स है ये शॉर्ट्स वीडियो में दिया गया। शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे मेरा एक ओपन है एडिटिंग के यानी पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे ये पूरा शॉर्ट्स वीडियो ओपन हो चुका है, ठीक है ना। यहीं पे ये फीचर्स देखने को मिला जिसका नाम है रिलेटेड वीडियो। एक्चुअल में देखिए हम आपको शुरू से आपको बता देता है कि इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स में जान पाए, ठीक ना। यहाँ से हम करते हैं कि बैक कर दिए और बैक कर देने के बाद यहाँ पे हम तो YT स्टूडियो को ओपन कर लिए। ओपन कर लेने के बाद सिंपल से आप अगर अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, चाहे जो भी शॉर्ट्स वीडियो, पुराना भी शॉर्ट्स वीडियो हो या नया भी शॉर्ट्स वीडियो, यानी कोई भी शॉर्ट्स वीडियो आपके चैनल पर है, तो सिंपल से उस पर आपको करना क्या क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिए एडिटिंग करने, जैसे क्लिक कीजिए उसके बाद आपको करना पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है। जैसे पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने में देखिए ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर चले आए, लेकिन यहाँ पर आप टाइटल वगैरह जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, बट जानते हुए होंगे आप, लेकिन यहीं पर आपके सामने देखने को मिल रहा है जैसे रिलेटेड वीडियो। एक्चुअल में हम आपको बता देते रिलेटेड वीडियो का मतलब क्या है कि आप अपने शॉर्ट्स वीडियो में लॉन्ग वीडियो को प्रमोट कीजिए, लॉन्ग वीडियो को। तो कैसे वो हम थोड़ा सा आप करते हैं क्या, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं मेरे चैनल का सारा वीडियो यहाँ पे ओपन हो चुका है। चाहे शॉर्ट्स वीडियो लगाना चाहते हैं शॉर्ट्स वीडियो लगा सकते हैं या लॉन्ग वीडियो लगाना चाहते हैं लॉन्ग वीडियो लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात है कि दोस्तों इस फीचर्स के माध्यम से आप अपने चैनल पर अगर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करें या लॉन्ग वीडियो अपलोड करें, यानी एक शॉर्ट्स वीडियो अगर अपने चैनल पर अपलोड करें तो ऑलरेडी आपके चैनल पर जो दूसरा लॉन्ग वीडियो है या शॉर्ट्स वीडियो, उस शॉर्ट्स वीडियो को शॉर्ट्स या जो शॉर्ट्स वीडियो पे ऐड करना चाहिए लिंक जैसे ऐड होता है ना, सेम उसी यानी वीडियो को ऐड कर पाएंगे। कैसे ऐड कीजिएगा देखिए, यहाँ पे मेरा ये वीडियो रिलेटेड शॉर्ट्स पे हम क्लिक किए तो मेरा यहाँ पे वीडियो शो होने लगा, ठीक है ना। तो हम आपको पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं कैसे अब इस वीडियो को देखा जाता है, देखते हैं यूट्यूब पे, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये पूरा वीडियो ओपन हो चुका, तो यहाँ से हम करते क्या कि एक वीडियो पे क्लिक करते ऐड कर देते इस वीडियो को, ठीक है ना। तो करते कि इस वीडियो पे क्लिक किए, जैसे वीडियो पे क्लिक किए देखिए ये वीडियो का यहाँ पे चलिए सॉरी बैक हो गया, ये वीडियो का देखिए रिलेटेड वीडियो में देखिए ये जो हम वीडियो का क्लिक किए ऐड किए वो वीडियो का टाइटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर चाहे तो हम यहाँ से डिलीट भी करना चाहें, यहाँ से इस वीडियो को हटा के दूसरा लगाना चाहे बाद में, वो भी आप कर पाएंगे। कट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ये वीडियो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इतना ऐड कर देने के बाद उसके बाद आपको करना क्या सेव कर देना, हम आपको इस वीडियो को प्ले करके भी दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ सेव कर देना, जैसे हम सेव करेंगे जो हम वीडियो पे क्लिक किए वो वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुका है इस शॉर्ट्स वाले वीडियो पे, ठीक है ना। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके शॉर्ट्स वीडियो पे 1000 या 2000 या 5000 व्यूज आता है, लेकिन आपके लॉन्ग वीडियो पे 100, 200 या 50 व्यूज ही आ रहा है, तो इससे होगा क्या कि आपने अपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से लॉन्ग वीडियो को प्रमोट कर पाएंगे, यानी शॉर्ट्स वीडियो में लॉन्ग वीडियो को ऐड करके प्रमोट कर पाएंगे। इस वीडियो के हम पूरा को पूरा सेव कर दिए। अब चलिए हम आप करते हैं क्या यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेते हैं कि वही वीडियो को प्ले करके दिखाएंगे क्या वीडियो ऐड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं अपने चैनल पर विजिट कर जाते हैं, हम अपने चैनल पर यहाँ पे विजिट कर दिए और यहाँ पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन पर क्लिक किए और देखिए ये जो वीडियो यहाँ पे हम आपको दिखाए थे तभी के टाइम एडिटिंग करके इसी वीडियो पे ऐड किए थे ना, तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को प्ले कर दिया। जैसे वीडियो को प्ले किया ये वीडियो मेरा प्ले हो चुका, ठीक ना, ये वीडियो मेरा प्ले हो चुका, लेकिन यहाँ आपके सामने में यहाँ देखिए जो हम वीडियो को ऐड किए थे वो वीडियो यहाँ पे शो हो रहा, यानी इस वीडियो के यहाँ नीचे मेरे चैनल के नाम के नीचे यहाँ पे नहीं देखने को मिला यूट्यूब चैनल का लिंक कैसे कॉपी करें, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो चल रहा था यहाँ से दिखाई आपको नहीं देता होगा, बट यहीं पे ये वीडियो ऐड है, ठीक है ना। तो यहाँ से करते क्या इस वाले वीडियो पे हम करते क्या क्लिक करते, देखिए यहाँ पे चलिए थोड़ा सा वीडियो को रोक देते, यहाँ देखिए ये लॉन्ग वीडियो को हम यहाँ से ऐड किए थे, करते क्या इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा लॉन्ग वीडियो ऐड हो चुका है, यानी मेरा लॉन्ग वीडियो प्ले हो गया। यानी कुल मिलाकर बात है दोस्तों कि अब जो है शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से रिलेटेड वीडियो के फीचर से आप अपने लॉन्ग वीडियो को भी प्रमोट कर पाएंगे। कोई भी बंदा अगर आपकी शॉर्ट्स वीडियो को देखता है वो चाहे तो आपकी लॉन्ग वीडियो को देखना तो वो इस तरह जैसे हम आपको दिखाते हैं इस तरह यहाँ पे क्लिक करके देख पाएगा। यानी कुल मिलाकर आप बात समझ गए कि अपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से लॉन्ग वीडियो को प्रमोट कर पाएंगे रिलेटेड वीडियो के फीचर्स के माध्यम से। तो आई होप आप पूरा को पूरा क्लियर समझ गए होंगे किस तरह वीडियो को ऐड करते हैं और किस तरह इस वीडियो को देखा जाता है, ठीक है ना। तो भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्योंकि हम हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो चलिए अभी दूसरी वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।